पाकिस्तान ने 20 रुकनी अपना टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया है जो इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेंगे जंगजू मोड में। अच्छी सिलेक्शन है, अच्छे ऑप्शंस है, अच्छी पिक्स हैं, इसलिए कि कोई प्री कंसीव नोशंस के साथ प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया गया। जो इंग्लैंड में अच्छा दिखा उसको रखा गया और फिर शादाब खान को भी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है और ये नहीं समझा गया कि वो सिर्फ T20 मुकाबलों में ही ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं। ये अच्छी पिक है, इसलिए कि एक तो यासिर शाह का कुशन ठीक ठाक मिल जाएगा, यासिर शाह अगर आउट ऑफ फॉर्म होते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं तो शादाब खान एक अच्छी रिप्लेसमेंट है। फिर काशिफ भट्टी को भी रखा गया है और स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत करने की मेरे ख्याल से वजह, बड़ी वजह यही है कि एक टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में है और ओल्ड ट्रैफर्ड में हमने देखा कि गेंद स्पिन हुआ था वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के मुकाबलों में। सो ये बुरी हिकमत अमली नहीं है। इसी तरह से सोहेल खान ने अपनी जगह बना ली है, वो तो गए थे प्रैक्टिस देने के लिए पाकिस्तानी टीम को, यह कहा गया था, मगर उन्होंने अपनी जगह इसलिए बनाई क्योंकि अभी भी जितने भी फास्ट बॉलर्स इंग्लैंड में हैं उनकी सबसे अच्छी रिस्ट पोजीशन होती है बॉल के पीछे और गेंद को बहुत अच्छा हिलाते हैं। हालांकि पेस कम हो गई है, फिटनेस का मुझे आइडिया नहीं है कि कितने फिट हैं, कि क्या वो हर रोज पाकिस्तान को 15 से 18 ओवर्स करके देंगे टेस्ट मैच में, मगर फिर भी अच्छी सिलेक्शन है। और जो बात की जा रही थी कि जो इंग्लैंड में अच्छा दिख रहा है, चाहे वो T20 का हो, 50 ओवर्स की क्रिकेट खेलता हो या टेस्ट मैच खेलता हो या सोहेल खान टाइप हो जो कि रेगुलर नहीं रहे पाकिस्तान में मगर अच्छे दिख रहे हैं, पिक करें और पिक किया गया। सो इस लिहाज से ये थिंकिंग बिल्कुल लॉजिकल और ठीक है। वहाब रियाज का कमबैक हुआ है, अभी भी उनके पास स्पेस है और पाकिस्तान को ये समझना है कि जैसे इंग्लैंड ने ऑपरेट किया अपने फास्ट बॉलर्स रोटेशन बेस के ऊपर, पाकिस्तान को भी फ्रेश फास्ट बॉलर्स चाहिए हैं इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच की सीरीज में, क्योंकि अगर एक ही बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ वो तीनों टेस्ट मैच में उतरे तो बिल्कुल एक सिचुएशन बन सकती है जहां पे फॉर्म और फिटनेस के हिसाब से आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन खासतौर पर तेज बॉलर स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि टर्न अराउंड पीरियड हर टेस्ट मैच के बाद सिर्फ 3 दिन का है और बॉडीज पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई होती हैं लंबी बॉलिंग करने के बाद। सो इस लिहाज से भी वहाब रियाज जो है वो अगर बेंच पे भी बैठेंगे तो बेंच स्ट्रांग होगा और ये बुरी बात नहीं है। मैं फिर से कहता हूं कि हिकमत अमली की जहां पे बात हम कर ही रहे हैं, पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी बैटिंग करने के लिए नया बॉल अच्छा खेलना पड़ेगा और नए बॉल पे प्रेशर में होंगे ओपनर्स, इसलिए कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है इंग्लैंड का। सो 3 ओपनर्स पाकिस्तान को खिलाने चाहिए क्योंकि मुकाबला नए बॉल से, अगर नया बॉल अच्छा खेल गए, झेल गए और ज्यादा एक्सीडेंट्स ना हुए और ज्यादा विकेट ना लूज की तो फिर पाकिस्तान प्रेशर डाल सकता है पहली इनिंग्स में लंबे रन करके। और लंबे रन कैसे होंगे, जब नया बॉल ठीक खेलेंगे और नया बॉल ठीक करने के लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा कुशन होना चाहिए एज एन ओपनर। सो नंबर 3 पे आप एक रेगुलर ओपनर को खिला सकते हैं। पहले टेस्ट मैच में मुझे लगता है कि इसी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए और फिर देखें कि आगे चल के आप क्या कॉम्बिनेशंस और बदल सकते हैं, खिला सकते हैं। सो बुरी स्क्वाड नहीं है, बुरे ऑप्शंस नहीं है, अच्छी सिलेक्शन हुई है।